क्या आपने भी नीट 2020 एग्जाम दिया है? क्या आप MBBS से इतर अन्य कोर्स के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है आयुर्वेदा का। अगर आप आयुर्वेदा के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं aptayurveda.co.in का YouTube चैनल। और आज के सत्र में हम बात करेंगे आयुर्वेद के UG कोर्स अर्थात BMS के बारे में। इससे जुड़े हरेक सवाल, हरेक बुनियादी मुद्दे जो कि 2020 में नीट होने के बाद से परीक्षार्थियों के बीच कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और आज हम उन सारे सवालों का जवाब देंगे आज के सत्र में। जो सवाल हमारे कमेंट बॉक्सेस में पूछे जा रहे हैं, हमारे मेल पे आ रहे हैं और जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछे जा रहे हैं, तो आज हम उन सारे बेसिक सवालों का जवाब देंगे। तो आज का सत्र हम शुरू करें, उससे पहले हम आप लोगों को फिर से याद दिला देना चाहेंगे कि ऐसे ही आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और उस घंटी के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि ये जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज का टॉपिक है और आज का मुद्दा है आयुर्वेद का UG कोर्स अर्थात BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको हम ऑफिशियली आयुर्वेदाचार्य कोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इस कोर्स से जुड़ी सारी जानकारियों के बारे में बताएंगे आपको, और बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो BMS है क्या? तो BMS आयुर्वेदा के क्षेत्र में UG कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, और जो कि अगर बात हम करें ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वर्ष 2014 में एक अलग मिनिस्ट्री का निर्माण किया गया, और इसके पूर्व मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ही डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बनाया गया था और उसके अंतर्गत ही ये कोर्सेस हुआ करते थे। तो अभी इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाया गया है, और जिससे इस कोर्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है आम जनमानस में ये। तो आखिर इसका ड्यूरेशन कितना होता है, कितने साल का कोर्स होता है? तो BAMS 4.5 साल प्लस 1 साल मैंडेटरी इंटर्नशिप। अब हम आपको बताते हैं कि 4.5 साल कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है अलग अलग क्लासों में। तो टोटल 4 ईयर, जैसा कि MBBS में भी आप जानते हैं कि 4.5 साल का कोर्स और 1 साल इंटर्नशिप होता है, वैसा ही BMS में 4.5 साल का कोर्स और 1 साल मैंडेटरी इंटर्नशिप होता है। तो BMS की अगर बात करें तो 4 ईयर होता है, फर्स्ट ईयर 1 साल का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर तीनों 1-1 साल का, फाइनल ईयर जो फोर्थ ईयर होता है 1.5 ईयर का, 1.5 साल का होता है। यहाँ हम एक बात डिफर कर सकते हैं, यहाँ कि MBBS में जहाँ तक बात करते हैं सेकेंड ईयर 1.5 साल का होता है और BMS में फाइनल ईयर 1.5 साल का होता है। अब आप बात करते हैं हम इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप ऐसा होता है कि 1.5 साल के बाद आपको 1 साल मैंडेटरी आवश्यक रूप से आपको इंटर्नशिप करना ही है। जहाँ तक BMS की बात है तो BMS में इंटर्नशिप के दौरान आपको आयुर्वेद हॉस्पिटल के साथ साथ कुछ दिनों तक, कुछ टाइम पीरियड मॉडर्न हॉस्पिटल में भी ड्यूटी दी जाती है और इंटर्नशिप दी जाती है। इस तरह से हमें लगता है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये कितने दिनों का कोर्स होता है। अगर हम बात करें कि इंटर्नशिप की, तो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं हमारे कि क्या BMS में भी इंटर्नशिप होता है, क्या BMS के UG इंटर्नशिप में भी क्या कुछ स्टाइपेंड मिलते हैं? जी हाँ, तो BMS के इंटर्नशिप में भी स्टाइपेंड मिलते हैं, और वो अलग अलग कॉलेजेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में उसका रेंज अलग अलग होता है। एक बात और, जैसा कि लोग पूछते हैं तो BMS की पढ़ाई इंडिया में कौन कौन सी संस्थान करवाती है? अगर हम इस संस्थान को वर्गीकृत करें तो मेनली एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को भी हम डिवाइड करें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और एक स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन सारे या प्राइवेट, तो सारे इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन होता है वो
ऑल इंडिया का जो ये नीट एग्ज़ाम हुआ है, ये नीट एग्ज़ाम के थ्रू भी आपको इस कॉलेज में एडमिशन होगा। और इनका जो काउंसलिंग वगैरह होता है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और इसमें हम डिटेल में जानकारी देंगे। और आगे हम बात करते हैं बीएमएस कोर्सेज के बारे में। तो बीएमएस का तो आपने टाइम पीरियड क्या होता है ये जान लिया, आगे हम बात करते हैं क्या क्या पढ़ना होता है। और ये सबसे ज़्यादा जो कि मतलब जो स्टूडेंट आयुर्वेद में इंटरेस्टेड है नीट के बाद, और वो सबसे ज़्यादा इस पॉइंट को उछाल रहे कि क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो मैं जहाँ तक मैंने आपको बताया कि 4 साल का कोर्स होता है, और पहले मैं अगर मोटा मोटी बता दूँ तो आपको आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेद संहिताओं के साथ साथ मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़ाई की जाती है। यहाँ हम आपको एक अलग जानकारी देना चाहेंगे। अगर हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति की बात करें, तो आयुर्वेद में मूलतः हमारे जो पौराणिक ट्रिटाइज हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, तो आयुर्वेदिक ग्रंथ को मेनली 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है बृहत्त्रयी और एक होता है लघुत्रयी। और ट्राइड जो होता है, 3 का ग्रुप, आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़े होंगे ट्राइड्स, तो वही बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। तो ये बृहत्त्रयी में हमारे आ जाते हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट के द्वारा रचित अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। और लघुत्रयी में आ जाता है भाव प्रकाश, माधव निदान और सारंगधर संहिता। तो ये जो होए, या तो ये लघुत्रयी और बृहत्त्रयी, आपको ये 4-4.5 साल के कोर्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पढ़ना ही है। तो ये मॉडर्न के ट्रीटाइज के साथ साथ हमको, मतलब ये आयुर्वेदिक ट्रीटाइज के साथ साथ हमको मॉडर्न के कंसेप्ट भी जानने होते हैं। तो हम अभी डिटेल में बात करेंगे कि 4 साल में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। अगर हम फर्स्ट प्रोफेशनल की बात करें, फर्स्ट ईयर की बात करें, तो फर्स्ट ईयर में आपको नए नए सब्जेक्ट, नए नाम जानने को होंगे। तो जो कि आप शायद, क्योंकि हम लोग के करिकुलम में, स्कूल में या उसके बाद भी ये सब ज़्यादा नहीं जोड़ दिया जाता है, तो ये शुरू में आपको नाम नहीं लगेंगे, लेकिन एक्चुअली यही हमारा मूल है, यही भारत का मूल है। तो जानते हैं फर्स्ट ईयर में हमारे क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में होते हैं पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास। अगर पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद का इतिहास के बारे में, तो इतिहास सबसे तो आप परिचित होंगे, तो ये आयुर्वेद के हिस्ट्री के बारे में बताता है, क्या आयुर्वेद का ओरिजिन है और आयुर्वेद कहाँ कहाँ फैला, किस किस अवधि में कहाँ कहाँ फैला, मेडाइवल इंडिया में या ओल्ड इंडिया में क्या क्या कॉन्सेप्ट थे आयुर्वेद के, इस बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जहाँ तक पदार्थ विज्ञान की बात है, तो ये आयुर्वेदिक फिलॉसफी पे आधारित सब्जेक्ट होता है। और इसमें हमको आयुर्वेद में जो फिलॉसफी है, क्योंकि फिलॉसफी के बिना कोई भी कोर्स पूरा नहीं होता है, चाहे आप मॉडर्न की क्यों ना ले, वहाँ भी उसकी अपनी कोई थ्योरी होती है, कोई फिलॉसफी होती है। उसी तरह जो बेस होता है आयुर्वेद का, वो आपको पदार्थ विज्ञान के अंदर बताया जाएगा। आगे हम बात करते हैं संस्कृत। और सबसे ज़्यादा बात और सबसे ज़्यादा कमेंट, क्या सर संस्कृत भी बीएमएस में पढ़ना होता है? चूँकि संस्कृत हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज है, और संस्कृत के बिना हमारा पुराना इतिहास या पुराना जो भौगोलिक दृष्टिकोण था, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, पौराणिक विचारधाराएं हैं, वो सब कुछ संस्कृत में उल्लेखित है। तो हमारे यहाँ जो, मैंने जैसा कि बताया आपको, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी दोनों मूल रूप से संस्कृत में लिखे हुए हैं। हालांकि अभी मॉडर्न आधुनिक इंडिया में, आधुनिक भारत में संस्कृत को अलग, उस ट्रिटाइज को अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, चाहे वो तमिल में हो, तेलुगु में हो, बंगाली में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो। तो आप चाहे जिस भाषा में उस कंसेप्ट को जानना चाहें, आपके लिए वो उपलब्ध है। लेकिन फिर भी किसी चीज़ का बेस उसी रूप में आप तभी ले सकते हैं जो कि वो मूल रूप में लिखा गया हो। इसी मूल रूप को जानने के लिए हमको संस्कृत जानना जरूरी है। और इसी के लिए हमारे फर्स्ट ईयर में आपको, अगर आप पहले से संस्कृत जानते हैं, आपको 10th तक पढ़े होंगे संस्कृत, तो कोई बात नहीं, उतना तो बेस जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं, तो इसी दिक्कत को, मुश्किल को कम करने के लिए हमारे कुरिकुलम में संस्कृत पेपर फर्स्ट ईयर में डाला गया है। और इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रामर के, संस्कृत ग्रामर के पढ़ाए जाएंगे, और कुछ गद्य और पद संस्कृत के पढ़ाए जाएंगे आपको। इससे आपको संस्कृत का बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, जिससे आप इस पौराणिक ट्रिटाइज, पौराणिक ग्रंथ जो मूल रूप में है, चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो या अष्टांग हृदय हो, इन सब को आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, या उसके अंदर जो लिखा हुआ है मूल भावना, उसको आप जान सकते हो। आगे बात करेंगे कि क्रिया शरीर, क्रिया शरीर क्या है? तो क्रिया शरीर है
शरीर क्रिया, बॉडी का फिजियोलॉजी। अगर मॉडर्न फिजियोलॉजी क्रिया शरीर में हम मूल रूप से मॉडर्न फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजियोलॉजी के साथ आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी बॉडी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। हम फिजियोलॉजी में मूल रूप से जैसे आप ऐसे ही बात पित्त कफ त्रिदोष के बारे में, प्रकृति के बारे में और इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड बातों को ग्रहण करते हैं। अब बात करेंगे कि क्या प्रैक्टिकल भी होता है। जी हाँ, आपको क्रिया शरीर के अंदर सारे मॉडर्न प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, चाहे वो ब्लड ग्रुप टेस्टिंग हो या अलग अलग सब कुछ एंटीजन ये सब। तो आप कहेंगे तो आप MBBS के सिलेबस में जितने प्रैक्टिकल्स होते हैं मॉडर्न के, वो सारे प्रैक्टिकल्स आपको करने होते हैं। अगर आपको डिटेल में हम बताएं कि मॉडर्न फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल क्या क्या हैं, तो वही टोटल RBC काउंट, टोटल WBC काउंट, ESR, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, मतलब सारे मॉडर्न के प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको आयुर्वेद कंसेप्ट के प्रैक्टिकल भी करने होते हैं। जैसे प्रकृति निकालना, उसके बाद फिर हाँ जैसे आपको बताते हैं कि आपको मॉडर्न के साथ साथ आयुर्वेद के भी प्रैक्टिकल करने होते हैं, जैसे प्रकृति असेसमेंट, दोष असेसमेंट, धातु असेसमेंट और अग्नि के असेसमेंट, और इन सब के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज भी हम जानते हैं फिजियोलॉजी में। आगे बात करते हैं मतलब क्रिया शरीर, मतलब अब फिजियोलॉजी, मॉडर्न फिजियोलॉजी प्लस आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी। इसी तरह हम अगर बात करें रचना शरीर की, आगे सब्जेक्ट आता है, तो रचना शरीर में आपको मॉडर्न एनाटॉमी जितना पूरा सिलेबस आपके MBBS में है, उसके साथ साथ आयुर्वेदिक एनाटॉमी आपको पढ़ना होता है। और पूरी एनाटॉमी, बोन मसल्स, मतलब पूरी की पूरी कोर्स आपको मॉडर्न एनाटॉमी के साथ आयुर्वेदिक एनाटॉमी की भी पढ़नी होती है। अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा ये आते हैं कि सर क्या डायसेक्शन है आयुर्वेद में कि नहीं, BMS में डायसेक्शन होता है कि नहीं। जी हाँ, BMS में डायसेक्शन होता है, और सबसे पहले फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को ही कहा गया है, और सबसे पहले डायसेक्शन आचार्य सुश्रुत ने ही किया था। तो डायसेक्शन एक डिटेल्ड स्टडी है हम लोग का रचना शरीर में। और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें रचना शरीर में, तो आप रचना शरीर में प्रैक्टिकल ऑफ बोन होता है, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स आपको पढ़ाए जाएंगे डायसेक्ट करके, उसके बाद फिर रेडियोलॉजी, बेसिक रेडियोलॉजी का भी कंसेप्ट दिया जाएगा आपको, और सरफेस एनाटॉमी इन सब के बारे में। अब आता है कि सब विच्छेदन, जो कि डिटेल्ड डायसेक्शन है, वो हम मैंने बता दिया, सब विच्छेदन भी पढ़ना है। और ये प्रैक्टिकल अगर देखें आयुर्वेदिक एस्पेक्ट में, तो सब विच्छेदन के बाद ये आ गया मर्म, और ये सब कंसेप्ट बहुत ही डिटेल कंसेप्ट हैं और मॉडर्न कंसेप्ट से कहीं भी कमतर नहीं है। और उसके बाद हिस्टोलॉजी का स्लाइड्स आपको इन सब, ये सब प्रैक्टिकल में आएगा। तो ये हुई रचना शरीर की बात। आगे कहें कि फर्स्ट ईयर में और कौन सा सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ईयर में एक है अष्टांग हृदय और मौलिक सिद्धांत। तो अष्टांग हृदय जैसा मैंने कहा था बृहत्त्रयी, तो आचार्य बागभट्ट ने लिखा है अष्टांग हृदय, और उसी का एक पार्ट सूत्र स्थान आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। इस तरह से फर्स्ट ईयर में अगर हम देखें तो पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, क्रिया शरीर, रचना शरीर, मौलिक सिद्धांत एंड अष्टांग हृदय, तो ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इसी तरह हम एक बार देख लेते हैं कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस समय क्या क्या सब्जेक्ट हैं। सेकेंड ईयर की बात करें तो द्रव्य गुण विज्ञान में आपको मॉडर्न फार्मेकोलॉजी के साथ साथ आयुर्वेदिक फार्मेकोलॉजी एंड आयुर्वेदिक मटेरिया मेडिका आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें हम डिटेल्ड में प्लांट के स्टडी करते हैं, डिफरेंट प्लांट को। आगे हम बात करें कि रोग निदान, जो कि मॉडर्न पैथोलॉजी के साथ आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ पैथोलॉजी भी हमको पढ़ना है। रोग निदान के बाद आता है रसशास्त्र और भेषज कल्पना और चरक संहिता का हाफ पार्ट पूर्वार्थ जो है वो पढ़ना है आपको सेकंड प्रोफेशनल में। थर्ड प्रोफेशनल की अगर बात करें तो थर्ड प्रोफेशनल में आपको अगत तंत्र, जो कि टॉक्सिकोलॉजी, अगत तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद और विधि वैदिक, तो इसमें आयुर्वेदिक कंसेप्ट के साथ साथ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन और मेडिसिनल ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ना है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं आयुर्वेदिक फॉरेंसिक मेडिसिन होता है अगत तंत्र में ये सब। आगे बात करें तो प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग है थर्ड ईयर में। प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग से को आप डायरेक्ट ऑब्स और गायनी से कोरिलेट करते हैं, और इसमें हम आयुर्वेदिक कंसेप्ट के साथ साथ मॉडर्न ऑब्स एंड गायनी भी पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस कुछ कमतर नहीं है। उसके बाद फिर कौमार वृत्त आता है आयुर्वेदिक पेडियाट्रिक, और आयुर्वेदिक पेडियाट्रिक के साथ आपको मॉडर्न पेडियाट्रिक्स भी पढ़ने होंगे। उसके बाद चरक संहिता का हाफ पार्ट, जो लास्ट पार्ट है उत्तरार्ध, दिए हमको पढ़ना है। ये हो गया थर्ड प्रोफेशनल की बात। थर्ड प्रोफेशनल के बाद अगर हम लास्ट प्रोफेशनल की बात करें फोर्थ प्रोफेशनल में, तो जो कि 1.5 ईयर का होता है लास्ट प्रोफेशनल, तो ये है काया चिकित्सा, पंचकर्मा, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र। शल्य तंत्र की बात करें तो ये सर्जरी है, शालाक्य तंत्र ENT और रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिक्स। इस तरह ये 5 पेपर हो गया। तो इस तरह हम अगर जोड़े तो 5, 4, 9, 15, 4, 19 टोटल 19 सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं टोटल BMS में। अगर हम बात करें कि क्यों कम है, हमको पढ़ना भी ज्यादा है
आयुर्वेदिक कंसेप्ट के साथ साथ पूरा मॉडर्न कंसेप्ट। इस तरह से ये क्लियर हो गया होगा आपको कि बीएमएस में हम लोग को पढ़ना क्या है। अब बात रही कि आगे क्या स्कोप है, तो बीएमएस के बाद हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे मेडिकल ऑफिसर के हो जाएं या फिर आपको पीजी के लिए अलग अलग नेशनल इंस्टीट्यूट या स्टेट यूनिवर्सिटीज या स्टेट कॉलेजेज में आपको एडमिशन मिलते हैं, जो कि पीजी में आपको अच्छे खासे स्टाइपेंड मिलते हैं, और पीजी में क्या क्या स्टाइपेंड मिलते हैं और कौन से बेहतर कॉलेज हैं, इन सब के बारे में भी आप हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। इसके बाद एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आपके लिए बेस्ट कॉलेजेज कौन से होंगे, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज कौन से होंगे, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कौन से होंगे, और कैसे काउंसलिंग कराएं बीएमएस के लिए बेस्ट कॉलेजों में। और क्योंकि यहाँ होता है कि जितने मार्क्स आप पाए हैं उस मार्क्स में आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज मिल सके, इसका ही हम कोशिश करेंगे आपके काउंसलिंग तक। और जुड़े रहिए आप आयुर्वेदा के साथ, डिटेल्ड में हम हर दिन नई नई जानकारियां देंगे और कैसे काउंसलिंग कराएं इसके लिए। तो आशा करता हूं कि बीएमएस से जुड़ी कुछ परेशानियां, कुछ कन्फ्यूजन आपका कम हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो, आपकी कोई परेशानियां हो गई, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, और हम क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए ही यहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।